स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो आपके पास टॉपिक है वो फाइंड द प्रोडक्ट एक्सरसाइज 3B है, फाइंड द प्रोडक्ट। याद रखें, जब भी आप लोगों के पास मैथ्स में प्रोडक्ट का नाम आएगा तो वो आप लोग यूज़ करोगे मल्टीप्लाई के तौर पर। आप हमेशा याद रखेंगे, आपके पास जब भी प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे फाइंड द प्रोडक्ट, या अगर कोई भी क्वेश्चन प्रोडक्ट रिलेटेड होगा वो हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आपके पास जो हम यूज़ कर सकते हैं, आपके पास एक मैं एग्जांपल देता हूँ। क्या हम कहते हैं कि आपके पास एक एग्जांपल है, मैं कहता हूँ प्रोडक्ट टू नंबर्स, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री विच इज़ इक्वल टू सिक्स। ये आपके पास क्या आ रहे हैं, सिक्स आ रहे हैं। कि हमने कहा है कि हमारे पास दो नंबरों का प्रोडक्ट है, दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो आपके पास प्रोडक्ट है। आज जो आपको मैं प्रोडक्ट्स करवाना सिखा रहा हूँ, ये दो होल नंबर है, ये भी होल नंबर था और ये भी आप लोगों के पास क्या था, होल नंबर है। ठीक है, लेकिन जो आज मैं आपको प्रोडक्ट करवाना सिखा रहा हूँ वो एक होल नंबर होगा और एक आपके पास फ्रैक्शन नंबर होगा। जो आपने कल सीखा था, आपके पास दो, एक फ्रैक्शन में होगा और एक होल नंबर होगा, उनको आपस में आपने प्रोडक्ट कराना है, मल्टीप्लाई करना है, कैसे उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, आपके पास अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव आपके पास क्वेश्चन है, टू डिवाइडेड बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर। अब आपके पास टू डिवाइडेड बाय थ्री आपके पास होल नंबर आपको नज़र आ रहा है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, वो आपके पास होल नंबर है, मल्टीप्लाई बाय सॉरी ये टू बाई थ्री फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन नंबर है, और फोर आपके पास जो है वो होल नंबर है, वो आपके पास क्या है, होल नंबर है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको चीज़ बताई थी, इसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो हम वन यूज़ कर सकते हैं। वो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वन यूज़ कर सकते हैं। अब दोनों टर्म्स का न्यूमिरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। अब जो न्यूमिरेटर है वो न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब आपके पास टू बाई थ्री में न्यूमिरेटर टू है और डिनोमिनेटर थ्री है, और सेकेंड टर्म में फोर इज़ द न्यूमिरेटर एंड वन इज़ द डिनोमिनेटर। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, न्यूमिरेटर मैंने क्या कहा, न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई होगा, टू मल्टीप्लाई बाय फोर एंड थ्री मल्टीप्लाई बाय वन, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, फोर टू ज़र एट एंड थ्री वन ज़र थ्री। अगर ये इनकी आपस में सिंपलीफाई हो सकते हैं, अगर ये दोनों एक ही टेबल पे आ रहे हैं तो इनकी देन हम कटिंग भी करेंगे, अगर ये दोनों एक नंबर पे नहीं आ रहे तो हमने एज इट इज़ छोड़ देना। ठीक, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर ए का, क्वेश्चन नंबर फाइव का ए पार्ट था। अब इसी का हम एफ पार्ट करके देख लेते हैं, आपके पास एफ पार्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव का, एफ पार्ट है आपके पास, आपके पास क्वेश्चन है सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन बाय टू, सिक्स इज द होल नंबर, अगेन सिक्स मल्टीप्लाई करना है वन बाय टू, आपके पास फ्रैक्शन में है। अब आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई के लिए आपके पास जो फर्स्ट नंबर है इसके, अगर पहले हम कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर बना लेते हैं, डिनोमिनेटर आपके पास क्या आ जाएगा, वन आ जाता है, आपके पास क्या आ जाता है, वन आ जाता है। ठीक है, अब वही बात है, इसका डिनोमिनेटर भी बन गया है, जब डिनोमिनेटर बन गया है तो हम न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपके पास सिक्स वन ज़ार सिक्स आ जाएगा एंड टू वन ज़ार टू आ जाते हैं। अब आप देखते हैं टू के टेबल में सिक्स आता है, टू वन ज़ार हम कटिंग कर लेते हैं, टू वन ज़ार टू एंड टू थ्री ज़ार सिक्स, तो आपके पास अगेन जो आंसर आ जाता है वो थ्री आ जाता है, और इसका डिनोमिनेटर भी वन है। डिनोमिनेटर मैंने आपको पहले बोला, अगर वन हो तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग लिखें ना लिखें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है,